हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ब्लॉग है मैं इवनिंग से ही स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहिए, इस टाइम 7 o'clock हो रहे हैं, तो मैं दिखाऊंगी कि हमारे बच्चे कैसे मस्ती करते हैं, वेकेशन होती है उनका। आप देख ही सकते हैं कि ये लोग भी ब्लॉग बना रहे हैं, आप भी देखिए कि ये अपना कैसे ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। छोटी बेटी थोड़ी मेरी ज़्यादा चंचल सी है, तो हरकतें आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही शरारती है। दोनों बच्चे अभी से मोबाइल में लगे हुए हैं। आप क्या कर रहे हो? नो, आपको लिखना है, तो पढ़ाई करनी है अपनी। आप देख सकते कैसे इनकी शरारती और कैसे इनका जिद्दीपन है। आप क्या चाहिए आपको? आओ, आप अपना नाम बता दो। आप अपना नाम बता दो। बता दो, माय नेम इज आकृति। बताओ, वो देखो सामने, वो देखो, वो देखो, 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 देखो। नो नो नो, ओके नो, फाइन। दीदी की मनी दिखा दो, दीदी की मनी दिखा दो। बस इन बच्चों की ऐसी मस्ती चलती रहती है, कोई फ़ोन में लगा रहता है। अभी थोड़ी देर पहले इसने अभी अपना थोड़ा सा हॉलीडे जो है होमवर्क कंप्लीट किया है। तो आपने हॉलीडे कर दिया? अभी कितना रहता है? ओके, अभी 2 सब्जेक्ट तो अभी और रहते हैं। नहीं बेटा, आप अपना टेडी बियर दिखा दो, टेडी बियर दिखा दो। मैं दे दूँ भैया को? दे दूँ? ओके ओके, अच्छा चला दो, छोड़नी छोड़नी कर लो। बस इन बच्चों के साथ बच्चा ही बनना पड़ता है, बच्चों के साथ बस। अभी वो भी देख रही है कि ये मम्मा किससे बात कर रही है, कौन है जो सामने है जिनसे मैं बात कर रही हूँ। आपको वहाँ जाना है? उनका ध्यान सिर्फ टीवी 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 और कुछ नहीं। और बच्चों का आप देख ही सकते हैं आजकल की लाइफ कितनी मतलब बिल्कुल वैसे हो चुका है कि टीवी मोबाइल और इंटरनेट बस इन्हीं के पे चलता रहता है। अभी मेरा ये जो है इवनिंग का टाइम हो चुका है, तो मैं एक्चुअली मैं ये रात को और मॉर्निंग और नाइट में मैं ऑस्ट्रो कैल्शियम लेती हूँ, कैल्शियम की ये दवाई है। एक्चुअली ये जो 30 एज के बाद जो मैरिड लोग होते हैं, मैरिड गर्ल्स होती है, मैरिड गर्ल्स वुमेंस सभी के लिए ये बहुत अच्छा होता है 30 प्लस। तो एक्चुअली मैं ये शाम के टाइम ज़रूर लेती हूँ ये, तो आपको पता है प्रेगनेंसी के बाद हमारा कितना हमें कैल्शियम की कितनी ज़रूरत होती है कैल्शियम। तो फिर मैं इसको ज़रूर मैं एक बार ज़रूर खाती हूँ। ये इसकी लिक्विड भी मिलती है, मगर एक्चुअली मैं लिक्विड में को इतना पसंद नहीं है जितना ये है। इसको सिर्फ ऐसे ही खाने की है ये कैल्शियम की गोली। तो बस इसको आप ये मॉर्निंग और नाइट में एक एक गोली ले सकते हैं, जो हमारी जो है कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। तो मैं ये डेली लेती हूँ कैल्शियम की, ये हमारे बोन्स को मजबूत करता है। कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन्स। इफ़ योर डेली डाइट डज नॉट हैव एडेप्टेड कैल्शियम, यू मे नीड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। ये ऑस्टियोपोरोसिस लीडिंग टू वीकनिंग ऑफ बोन्स लेटर ऑन। ये हमारे बोन्स विटामिन D3 कैल्शियम इस चीज़ को कमी को पूरा करता है ये बोन्स। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, और चीज़ आज मैंने कोरियर से एक और चीज़ मंगवाया था, मेरा पहले एक्चुअली एसेंशियल ऑयल ख़त्म हो चुका था। एक बॉक्स गुड वाइब्स का एसेंशियल ऑयल है, लेवेंडर एंड लेमन। एक्चुअली लेमन का जो है मेरे बेबी के हाथ में है, मम्मा को दे दो, मम्मा को खाएगी, मम्मा को दीदी को दे दो। ये मेरा एक लेवेंडर का गुड वाइब्स का ऑयल है। एक्चुअली ये किसी ऑयल के अंदर मिक्स करके इसको लगाया जाता है, अपने स्किन पे भी लगा सकते हैं हल्का सा, सिर्फ इसकी 1 या 2 बूंद ही बहुत होती है। और इसके जो है घर में जो डस्ट और पॉल्यूशन हो जाता है, डस्ट और मतलब मीन्स जर्म्स हो जाता है, तो उसकी वजह से भी तो हमने पानी में मिला के तो इससे पोचा वोचा भी लगवा सकते हैं, उससे डस्टिंग भी अच्छे से हो सकती है उस डस्टिंग के पानी से। तो जो हमारे जो कीटाणु होते घर पर वो सारा हो। मैं आपको दिखाना चाहूँ छोटी सी ऑयल के, मगर ये इसकी मगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है। गुड वाइब्स का, पर्पल.com का है।
MRP 165 है. मैंने आई थिंक ये 25% में मैंने ये 110 ऐसे कुछ समथिंग लिया था. ये मेरी तीसरी बॉटल है और इससे एक्चुअली मेरे हेयर काफ़ी अच्छे सिल्की और थोड़े घने घने से बाल हो गए हैं मेरे. इससे इसको ज़्यादा 3-4 ड्रॉप से ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब यूज़ नहीं कर सकते हम लोग. ये एक्चुअली एसेंशियल ऑयल है. काफ़ी सारे फूलों का जो बंडल होता है उनको अगर हम पीस के निकालें उनका जो थोड़ा सा ऑयल निकलता है ये प्योर ऑयल है गुड वाइब्स का. ये है लेमन का. जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ आपको पता है ये सारा स्टिकर विकर सब इन्होंने तो ख़राब कर दिया है. एक्चुअली ये थोड़ा बचाना पड़ता है. कांच की बॉटल में है ये. इसका अगर किसी को आपको ये पसंद आता है, मुझे तो काफ़ी इफेक्टिव लगा, तो मैं इसका जो है लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. मैं आपको दिख ही रहा होगा लेमन का है. एक्चुअली मैं ये दो ही यूज़ करती हूँ, लेवेंडर और लेमन का. मैं इसको मॉर्निंग में नहाने से आधे एक घंटे पहले ऑयल में किसी भी ऑयल में या सरसों के तेल में या कोकोनट के ऑयल में मिक्स करके अपने हेड पर लगाती हूँ उनके अपने स्कैल्प पे. और एक्चुअली जो हमारे ग्रे हेयर है उनको भी ये स्टॉप करता है और हमारे जो खरूसी हो जाती है हेयर में उसको भी ये स्टॉप करता है. अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा हो तो वो भी हमारा इसमें ठीक हो जाता है. बस आज का मेरा यही था ब्लॉग. तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मेरा जो डेली रूटीन है जैसे कि बच्चों के साथ ही बीतता है सारा दिन. अब 2 दिन उनके पापा भी इनके साथ रहेंगे, उनके भी हॉलीडे है, तो मैं आपको दिखाऊंगी उनके साथ इनकी क्या मस्ती चलती रहती है. अभी चलो अभी मैं खाना बना लेती हूँ. अभी देखते हैं क्या बनता है खाने में. तो फिर आपसे फिर मिलेंगे कल. थैंक यू सो मच, बाय. अगर मेरे को आपको मेरा ये चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच, बाय.